हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साठ वीडियो में। आज की वीडियो में हिंदी सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यूपी वीडियो मंडी परिषद लेखपाल एसएससी रेलवे तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, वह अगले वर्ष आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है संबंध कारक है। वह अगले वर्ष आएगा, यह वाक्य अगले वर्ष में आएगा वाक्य में संबंध कारक है। अतः क्वेश्चन नंबर दो, उदय शब्द का विलोम शब्द छातिए। उदय मतलब उभरना प्रकट होना, तो इसका विलोम शब्द है अस्त। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा भविष्यकाल है। प्रतीक्षा करूँगा मतलब कुछ समय के लिए बता रहा है, प्रतीक्षा करूँगा, तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर चार, ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा ये तो मुहारा है, तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऊँट के मुंह, ऊँट बड़ा होता है, अगर उसके मुंह में थोड़ा वस्तु डालेंगे भोजन तो उसके ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, तो ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न नंबर पाँच जो है, जूते चाटना, जूते चाटना का अर्थ है खुशामद करना। खुशामद मतलब क्या होगा? तो किसी के जी हजूरी करना, मतलब खुशामद करने का अर्थ है जी हजूरी करना। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, माता जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम करना। क्वेश्चन नंबर सात, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे अतिथि कहते हैं। प्रश्न संख्या आठ, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का जो है निर्मल है, निर्मल जो है पुनीत, पाक, साफ, पावन, पवित्र आदि है, उसका पर्यायवाची जो है। और कमल का जो होता है नीरज, सरोज, सलज, कंज, राजीव, अरविंद आदि है। अगला प्रश्न जो है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो इसमें क्या भराया जाएगा? लीची खरीदने हैं, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, खरीदने की जगह खरीदनी हो जाएगी। तो अगला प्रश्न संख्या 10, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। अपने अपने किताबें जो है इस वाक्य में जो है ऑप्शन ए सही है। वाक्य का शुद्ध रूप है, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। प्रमत स्वेच्छाचारी, प्रमत स्वेच्छाचारी जो होता है उन्मत्त, प्रमत स्वेच्छाचारी का दूसरा अर्थ है उन्मत्त, इसका जो पर्यायवाची जो है दूसरा अर्थ है उन्मत्त। कनक धतूरा, एक कनक माने जो होता है सोना, एक धतूरा होता है, तो इसमें जो है ऑप्शन जो है डी सोना दिया है। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद, ऋतु धन अनुसार, तो ऑप्शन जो है ए रीति धन अनुसार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वह एक महिला विद्वान थी, इसमें शुद्ध वाक्य चयन करना। वह, तो ऑप्शन जो है इसमें, वह एक विदुषी महिला थी, विदुषी जो होता है महिलाओं के लिए लगता है, विद्वान जो होती है, तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर, वह प्रणाम सहित अपनी बात बताएगा, पहले प्रणाम, प्रमाण सहित प्रमाण देगा तब अपनी बात बताएगा, ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए, किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? सहायक, तो ऑप्शन ए है। प्रश्न संख्या जो है 16-17 देखते हैं, निम्नलिखित, भला चाहने वाला,
किसी को भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। हितैषी। क्वेश्चन नंबर 18, अखियां हरी दर्शन की प्यासी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियां सुनी रुखी, उपयुक्त भक्ति में कौन सा रस है। इसमें देखिए श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में दो होते हैं, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। वियोग में अलग करना और संयोग में मिलाना, तो इसमें जो बात कही गई है वियोग श्रृंगार है, जहाँ नायक नायिका के पारस्परिक मिलन और अलग होने का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, तो ऑप्शन जो है ए, विद्वान शब्द जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग जो होता है विदुषी होता है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन की। तद्भव जो होता है प्रांगण, उद्योग तथा आश्रम, ये सभी तत्सम है। तद्भव जो होता है अशुद्ध शब्द होते हैं और तत्सम से निकले हुए शब्द को तद्भव कहते हैं, जबकि प्यास जो है तद्भव शब्द है और जितने भी शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 21, काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए आगे देखिए, कई वर्ग अक्षर की आवृत्ति कई बार हुई है, आवृत्ति दो या दो से अधिक हुई है, ये यमक अलंकार है। हर बार अर्थ भिन्न हो यहाँ यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, एक शब्द दो बार दिया है, बादल होता है कम होना। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकू शब्द का चाकुओं होगा, तो ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें दिगु समास है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 24, दिगु समास है जिसमें संख्याओं का वर्णन होता है, त्रिवेणी, चौखट, तिरंगा, चौमुख। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें जो है निकृष्ट जो है तत्सम है, तीखा, अटारी तथा गहरा, ये सभी तत्सम तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षर में छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है, तो इसमें जो है अत्यधिक लिखा है, अत्यधिक होगा, तो इसमें आ का मात्रा लगा इसमें नहीं, तो जो है शुद्ध शब्द जो है अत्यधिक है।